एश्योरेंस, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे एश्योरेंस। हम 2.6 को सॉल्व कराए थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है उसका। तो बेटा जी 2.5 में अगर आप देखें तो आपको स्टेटमेंट गिवन है कैलकुलेट ए पार्ट जी कंजुगेट, बी पार्ट जी प्लस जी कंजुगेट, सी पार्ट जी माइनस जी कंजुगेट एंड डी पार्ट जी मल्टीप्लाई बाय जी कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स आपको जी गिवन होगा और आपने हर एक जी के लिए चारों वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको जी गिवन है 2 प्लस आयोटा। तो देखिए बेटा जिसका फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट, तो जी कंजुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपने इस टर्म का कंजुगेट फाइंड कर लेना। तो स्टूडेंट्स कंजुगेट क्या होता है, सिंपली आयोटा की टर्म का साइन चेंज। तो आयोटा की टर्म का साइन पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या फाइंड हो गया, ये जी कंजुगेट आ गया। अब बेटा जी बी पार्ट, और बी पार्ट अगर आप देखें तो आपको गिवन है जी प्लस जी कंजुगेट, तो जी आपको गिवन है 2 प्लस आयोटा और जी कंजुगेट गिवन है 2 माइनस आयोटा। तो देखें बेटा जी रियल पार्ट रियल के साथ सिंप्लीफाई, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ तो आयोटा माइनस आयोटा तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कैंसिल आउट होकर इसको हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो अगर आप देखें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो सम आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज अ रियल नंबर, तो ये एक एमसीक्यू भी बनता है, द सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। एंड सेम स्टूडेंट्स सी पार्ट, तो सी पार्ट में आपने फाइंड करना है जी माइनस जी कंजुगेट। तो देखें बेटा जी आपको जी गिवन है 2 प्लस आयोटा और जी कंजुगेट गिवन है आपको 2 माइनस आयोटा। तो माइनस है बेटा जी, तो क्या कर दें आप, साइन चेंज कर दें, तो माइनस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो देखें रियल पार्ट रियल के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट क्या आ गया 0, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा आ जाएगा। अगेन यहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी बन रही है स्टूडेंट्स, अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से माइनस करें स्टूडेंट्स तो आंसर इज ऑलवेज अ कम्प्लेक्स पार्ट यानी कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स क्लियर, होप सो यहां तक समझ आ गया होगा। अब डी पार्ट इसका देखें, तो डी पार्ट में आपने फाइंड करना है स्टूडेंट्स जी इंटू जी कंजुगेट। तो अगर आप जी देखें गिवन है 2 प्लस आयोटा और जी कंजुगेट आपको गिवन है 2 माइनस आयोटा, और जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स 2 स्क्वेयर 4 आ गया माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी 5। अगेन यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है दैट इज कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उस कम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी अ रियल नंबर। हो सो ये क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स मैं मूव कर रहा हूँ उसके फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ भी है और टेक्निकल भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस केस में आपको जी गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अब जी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बेटा जी इस जी को सबसे पहले आप कन्वर्ट करें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसके बाद फिर हम जो पार्ट्स हैं वो फाइंड करेंगे। अब देखें बेटा जी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा, इसको जब रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा जी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो देखें 4 2 8, 4 × −4 तो स्टूडेंट्स −16 आयोटा, −3 × 2 स्टूडेंट्स −6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस एंड 4 × 12 आयोटा² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो फॉर्मूला स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखें इसे आप फर्दर क्या लिखेंगे, −16 − 6 तो स्टूडेंट्स −22 आयोटा और 12 × −1 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में बैठे जी 2 का स्क्वेयर 4 और इसका स्क्वेयर आएगा आपके पास −16 आयोटा². अब देखें −8 − 22 आयोटा −12 डिवाइडेड बाय 4, 16 × स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा −1 आ जाएगा। नाउ देखें 8 − 12 स्टूडेंट्स आंसर विल बी −4, −4 − 22 आयोटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस एंड 4 + 16 स्टूडेंट्स आंसर विल बी 20। तो ऑब्वियसली अब रियल पार्ट क्या आ जाएगा −4/20 एंड −22/20 आयोटा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी 4 1s 4 5s, तो आपके पास जी आ गया −1/5
टू इलेवन जा टू टेन जा, तो माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा। अब बेटा जी आपके पास जी आया, अब आपने वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जो आपको वहाँ पे गिवन है, जी कंजुगेट और बी पार्ट में जी प्लस जी कंजुगेट और फिर सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो देखिए ए पार्ट में स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है जी कंजुगेट, तो आप लोग जानते हैं कंजुगेट में आप क्या करते हैं, आप एयोटा के नाम का साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एयोटा के नाम का जब आप साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जो गिवन है उसमें नेगेटिव है। सो दैट्स इट, ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स बी पार्ट, अब बी पार्ट में आपने फाइंड करना है जी प्लस जी कंजुगेट। तो देखिए बेटा जी जी आपको गिवन है माइनस वन बाई फाइव माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा प्लस जी कंजुगेट आपको क्या गिवन है, दैट इज माइनस वन बाई फाइव प्लस इलेवन बाई टेन आयोटा। अगर आप देखें स्टूडेंट्स माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा प्लस इलेवन बाई टेन आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी माइनस वन बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, तो स्टूडेंट्स फाइव विल बी एल सी एम माइनस वन माइनस वन, तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव। दिस इज योर बी पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स सी पार्ट, जिसमें आपने फाइंड करना है z माइनस z कंजुगेट। तो बेटा जी z आपके पास है माइनस वन बाई फाइव माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा माइनस, और z कंजुगेट आपके पास माइनस वन बाई फाइव प्लस इलेवन बाई टेन आयोटा। ऑब्वियसली इसमें भी आप साइन चेंज कर दें तो बेटा जी आ जाएगा माइनस वन बाई फाइव माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा प्लस वन बाई फाइव एंड माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा। अगर आप देखें तो माइनस वन बाई फाइव और प्लस वन बाई फाइव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपको जो टर्म्स आएंगे स्टूडेंट्स माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा एंड माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा, स्टूडेंट्स इनका एलसीएम क्या आ जाएगा माइनस टेन आ जाएगा। तो माइनस इलेवन आयोटा एज इट इज ये आ जाएगा माइनस ट्वेंटी टू आयोटा ओवर टेन। सिंप्लीफाई कर लें टू इलेवन जा एंड टू फाइव जा, तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी माइनस इलेवन बाई फाइव आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये इसका सी पार्ट था। नाउ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट इज डी। अब डी पार्ट में बेटा जी आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है जी इंटू जी कंजुगेट। तो अगर आप देखें तो आपको जी गिवन है माइनस वन बाई फाइव माइनस इलेवन बाई टेन आयोटा और जी कंजुगेट गिवन है माइनस वन बाई फाइव प्लस इलेवन बाई टेन आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, मैंने अभी आपको बताई कि नंबर और उसका कम्प्लेक्स जो कंजुगेट है उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स देखें ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू आपके पास है माइनस वन बाई फाइव और बी की वैल्यू आपके पास है इलेवन बाई टेन। तो स्टूडेंट्स जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लें तो देखें वन बाई फाइव का स्क्वेयर तो स्टूडेंट्स वन बाई ट्वेंटी फाइव आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वेयर भी क्या होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा इलेवन का स्क्वेयर वन ट्वेंटी वन और टेन का स्क्वेयर हंड्रेड और स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वेयर। अब ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वन बाई ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी वन बाई हंड्रेड, अब स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वेयर को रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से, जब रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121 बाय 100। अब देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए मैं रेज करता हूँ। सो देखें बेटा जी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखें 25 फॉर 100 तो स्टूडेंट्स एलसीएम विल बी 100। तो देखें 25 फोर टाइम्स, सो फोर वन जा फोर, स्टूडेंट्स ये वन टाइम्स होता तो 121 क्या आ जाएगा 121, सो आंसर विल बी 125 बाय 100। अब बेटा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तब देखें लास्ट पे 5 आ रहा और ये 0 आ रहा है, तो आपने पढ़ा हुआ रूल्स कि 5 पे कैंसिल आउट होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 25 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा और ये क्या आएगा 25 बाय 20। और आप लोग जानते हैं फर्दर 5 पे डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, विच मीन्स जी इंटू जी कंजुगेट का आंसर आएगा 5 बाय 4। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन में 6 की स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज इफ जी इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू 5 माइनस 4 आयोटा। आपको जी भी गिवन है आपको डब्ल्यू भी गिवन है, देन शो दैट। तो स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रूव करनी है, जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें दोनों सेम है, जस्ट फर्स्ट पार्ट में प्लस है और सेकंड पार्ट में माइनस है। तो फर्स्ट पार्ट आपके लिए मैं कह रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है स्टूडेंट्स जी प्लस डब्ल्यू होल कंजुगेट इज इक्वल टू जी कंजुगेट प्लस डब्ल्यू कंजुगेट। तो बेटा जी वही बात, दोनों साइड्स को आप सेपरेटली सॉल्व करें और शो कर दें कि दोनों इक्वल हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्रूफ करना है जी प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, पहले आप क्या फाइंड करेंगे, आप जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करेंगे। तो जी आपको गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा और डब्ल्यू गिवन है 5 माइनस 4 आयोटा। तो बेटे जी, रियल पार्ट रियल में तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, और इमेजिनरी इमेजिनरी में तो माइनस 4 प्लस 3, तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी माइनस 1। अब आप क्योंकि इसका कंजुगेट फाइंड करना चाह रहे हैं, आयोटा के टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 प्लस आयोटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज आपकी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब बेटे जी, इसी तरह से आप क्या करें, आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपने फाइंड करना है जी कंजुगेट प्लस डब्ल्यू कंजुगेट। तो बेटे जी, जी कंजुगेट मैं डायरेक्टली जी कंजुगेट लिख रहा हूँ, जी आपको गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटे जी, जी कंजुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। डब्ल्यू कंजुगेट विल बी, डब्ल्यू गिवन है 5 माइनस 4 आयोटा। तो बेटे जी, डब्ल्यू कंजुगेट क्या होगा 5 प्लस 4 आयोटा। अब इन्हें आप एडअप कर दें तो z कंजुगेट प्लस w कंजुगेट बेटा जी आंसर आएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स, 5 प्लस 2 आंसर विल बी 7 एंड 4 माइनस 3 आंसर विल बी 1। सेट इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड भी कम्प्लीटली सॉल्व होगी हुई है। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 एंड 2 देखें, दोनों का आंसर सेम है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे 1 एंड 2 शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो आपकी गिवन स्टेटमेंट थी जो आपने शो करनी थी, विच इज जी प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट, आप वो स्टेटमेंट लिख दें या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर एक ही है। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स जी डॉट डब्ल्यू कॉन्जुगेट, मीन्स जी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट। सो इसमें भी पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को। तो बेटे जी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है z मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो ऑब्वियसली पहले आप z को w से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, तो z आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और w है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा। अब बेटे जी, मल्टीप्लीकेशन के रूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से आंसर विल बी 10, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से तो 8 आयोटा, 3 5 से स्टूडेंट्स 15 आयोटा एंड माइनस 12 आयोटा स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 10, देखें 15 माइनस 8 तो प्लस 7 आयोटा, माइनस 12 इंटू माइनस 1, तो बेटा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 और ये भी 10 है तो क्या आ गया 10 प्लस 7 आयोटा विच इज z इंटू डब्ल्यू। आपने फाइंड करना है z इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10 माइनस 7 आयोटा एंड सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप सॉल्व करें अपनी राइट हैंड साइड को, तो बेटा जी राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट। तो देखें z कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 3 आयोटा, और बेटा जी w कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। अब आपने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो देखें z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय w कॉन्जुगेट, तो स्टूडेंट्स इसे आप लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। सो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 15 आयोटा एंड इट विल बिकम माइनस 12 आयोटा स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स 10 एज इट इज माइनस 15 प्लस 8, सो आंसर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्या आएगा माइनस 7 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 12 माइनस 7 आयोटा। तो स्टूडेंट्स z कंजुगेट इंटू w कंजुगेट का आंसर क्या आ गया 22 माइनस 7 आयोटा। तो देखें बेटा जी, z इंटू w क्या आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 7 आयोटा। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट में आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली आयोटा के टर्म का साइन चेंज हो जाएगा,
तो आंसर आ जाएगा 22 माइनस 7 है बेटा। सो सही इक्वेशन नंबर 1। अभी आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, अब इसकी आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो बेटा जी राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो देखें जी कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, दैट इज 2 माइनस 3 आयोटा, और डब्ल्यू कॉन्जुगेट की आपके पास दैट इज 5 प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट, सो 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा। सो बेटा जी 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, -15 आयोटा, एंड सिमिलरली जब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ऑन सिंपलीफिकेशन स्टूडेंट्स ये 10 आ गया, 15 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 8, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी -7। और स्टूडेंट्स इसको रिप्लेस कर देंगे -1 से, माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स 12 प्लस 10 आंसर विल बी 22। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, 22 माइनस 7 आयोटा। सेड इक्वेशन नंबर 2, इफ यू लुक एट 1 एंड 2, तो स्टूडेंट्स 1 एंड 2 शोज दैट स्टेटमेंट लास्ट पर, 1 एंड 2 शोज दैट। तो जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, जो आपने प्रूफ करना था, उसे आप लिख दें, एंड दैट इज स्टूडेंट्स जी इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कॉन्जुगेट। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें जो आपके नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप रैशनलाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, वो कह रहा है 1/2 ब्रैकेट जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जी। यानी अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, वो रियल पार्ट आएगा जी का। तो जी देखें आपको गिवन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जी कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने शो करना है कि 1/2 इंटू जी प्लस जी कॉन्जुगेट क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 एज इट इज, जी आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, जी कॉन्जुगेट आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, 2 प्लस 2 स्टूडेंट्स आंसर विल बी 4, और 1 और ये 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी, 2 आ गया। और अगर आप जी का रियल पार्ट देखें तो दैट इज 2, तो और ऑब्वियसली जो आंसर आया दैट इज ऑल्सो 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या लिख दें, सो 2 इज अ रियल पार्ट ऑफ जी, सो प्रूव हो गया। इसी तरह से इसका आप लास्ट पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो होप सो आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।